शुरू से ही मतलब कि इनका हाथ जो था जल गया था, तो वही हाथ से ये पेंटिंग बनाते हैं, दोनों हाथ सही सलामत रहता है उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते, और इनका एक हाथ मतलब का डैमेज है उसके बावजूद भी इतना सुंदर पेंटिंग है, मैं देख के हैरान हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, गुड मॉर्निंग सभी। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं गाइस। मैं अपना वीडियो शेड्यूल में लगा दिया हूँ, अपलोड हो जाएगा 9 बजे, जाके देख लीजिएगा। और आज बुरा खबर सुबह सुबह का है कि भाई मेरा आईफोन जो है ना वो स्विच ऑफ हो गया है। तो रात में पता है नहीं चार्ज उज में नहीं लगा, हमको लगा चार्ज होगा, सुबह उठ के देख रहे तो बैटरी ये नहीं है, तो चार्ज में अभी लगा के आए। फाइनली संजीत भाई का एक भाई है, छोटा भाई, वो 12th क्लास में पढ़ता है, ठीक है, तो हॉस्टल में वो पढ़ता है BIT मेसरा के पास, तो वहाँ पे मतलब कि उसका आज छुट्टी हो रहा है, कल ही छुट्टी हो गया था, तो कल तो नहीं जाने सके तो इसलिए आज आ रहे हैं, बस सुबह निकल रहे हैं, ठीक है। और उसका मतलब उसको लाना है अभी जाके, तो संजीत भाई यहाँ रहा। और ये जो वीडियो शूट हो रहा है ना, ये हो रहा है आपका कौन सा फोन है जी? रेनोएट। तो गाइस अभी रुके थे चाय दुकान में, क्या कि सुबह सुबह सीधा निकले और इधर कुल्हड़ वाला चाय पी रहे थे, पी के ख़त्म कर दिए। आज आईफोन तो नहीं लाया तो ब्लॉग बनाने में उतना मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है बहुत बढ़िया। संजीत भाई भी पिया चाय और अभी हम लोग निकलेंगे। अभी हम लोग हैं पिठोरिया चौक में और यहाँ से मतलब कि और लगभग 15-17 किलोमीटर होगा। तो ये है सुमित भाई और इनका मैं टैलेंट आपको बताना चाहूँगा। शुरू से ही मतलब कि इनका हाथ जो था जल गया था, तो वही हाथ से ये पेंटिंग बनाता है, ये काबिलियत तारीफ है गाइस। लोगों का तो दो हाथ रहता है, ठीक है, दोनों हाथ सही सलामत रहता है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पाते, मैं देख के हैरान हो गया। मैं भी पेंटिंग का शौकीन था बचपन में, अभी तो ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन बचपन में बहुत ज़्यादा शौकीन था, बनाते भी थे, लेकिन इतना बारीकी से यहाँ पे काम किया गया पेंटिंग में, मैं देख के मतलब हैरान हो जाता हूँ कि इतना अच्छा कोई बना सकता है। और जब इनका बारे में पता चला कि ये बायां हाथ से बनाते हैं और उसके बावजूद भी इनका हाथ डैमेज है, तो आप समझ सकते हैं कि काबिलियत तारीफ वाला बात है। तो देखिए ये वाला है संजीत भाई का, भाई का पेंटिंग। अभी स्टूडेंट है ना, देखिए कैसे रहता है, मतलब सबको एक एक बेड मिलता है और यहीं पर रह के ये लोग स्ट्रगल करते हैं। तो गाइज हम भी पहली बार हॉस्टल आए हैं और मतलब हॉस्टल इससे पहले नहीं घुसे थे, आज आए तो देखे कि हॉस्टल में ऐसा लाइफ होता है, ऐसे लोग रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं। तो गाइज यहाँ जो पेंटिंग देख रहे हैं ना दीवार में, ये सारा पेंटिंग सुमित ही बनाया है, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा भाई टैलेंट है। और भी पेंटिंग बहुत सारा है यहाँ पे हॉस्टल में, जगह जगह मतलब दीवार वाल जहाँ जहाँ है ना, बहुत सारा पेंटिंग इनके द्वारा बनाया गया है। स्पेस भी बचा, यहाँ पे इसका भाई बैठ जाएगा। चलिए अभी चलते हैं ऊपर। तो फाइनली अभी संजीत का भाई हॉस्टल से जा रहे हैं घर, और सारा सामान वामान ले लिए हैं, गाड़ी में डाल दिए सारा सामान। तो फाइनली गए, सारा सामान लोड हो गया गाड़ी में, अब चलते हैं हम लोग। और थोड़ा बहुत पेपर वर्क बचा हुआ है, मतलब कि गार्जियन का साइन खोजता है कि यहाँ से ले जा रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं, साइन उन करवाते हैं इनका। तो गए संजीत भाई जा रहे हैं अभी थोड़ा पेपर वर्क करवाने। यहाँ पे गए आप देखिए दीवार में जितना भी पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये देखिए ये सारा पेंटिंग इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। और फाइनली अभी सारा काम हो गया, मतलब कि पेपर वर्क जो था, और इनको छुट्टी मिल गया है, सारा सामान वामान भी गाड़ी में डाल लिए। तो गाइस अभी सामान लोड करवा रहे हैं गाड़ी में, आधा टेम्पो लोड हुआ है और अभी बाकी सामान लोड होगा। तो गाइस अभी दुकान से माजा ले रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी सारा सामान लोड हो गया गाड़ी में, अभी खाना खाएंगे और निकलेंगे बाजार। तो गाइस अभी दुकान का सामान उतार रहा है और यहाँ देखिए दुकान लग गया है। तो गाइस ये हमारा दुकान है, देखिए कस्टमर सब सामान ले रहा है और अभी शाम भी हो गया है।
ये देखिए ऐसा हम लोग का दुकान लगता है, ठीक है। सरफ कितना? चार। कपड़ा धोने वाला दुकान, ढेला वाला दे। और बोलिए एक पैकेट और। और कुछ है? अभी सामान देखिए लोड हो गया और पूरा रात हो गया है, तो फाइनली सामान वन पूरा लोड हो गया और मार्केट भी खत्म हो गया। अभी यहाँ से अभी निकलेंगे, तो फाइनली गए जब घर आ गए मार्केट से, और आते आते लगभग 7:30 बज गया होगा हमको लग रहा है। और यहाँ पे देखिए घर में मम्मी मैगी बना रही है, गर्मा गर्म मैगी बन रहा है। अभी सामान नहीं उतारे, अभी सामान वन उतारेंगे उसके बाद फिर इसको खाएंगे। तो गए जब सारा सामान उतार लेंगे गाड़ी से। तो गए जब मार्केट से घर आ गए, सामान भी उतार लिए हैं, और मेरा फ़ोन का जो बैटरी है ना मात्र 2% बचा हुआ है भाई, तो अभी चार्ज कर लेते हैं नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगा। सुबह से आज बैटरी का समस्या हो रहा है, बैटरी तो चल रहा है मोबाइल का लेकिन चार्ज नहीं कर पा रहा, क्योंकि लाइट जो है ना एकदम आते जाते रहता है। अगर ऐसी कंडीशन रहे ना तो हमको इन्वर्टर एगो लेना होगा। तो अभी चलिए चार्ज में इसको लगा देते हैं, यहाँ पर चार्जर है। गए जब गाड़ी उड़ी तो लगा लिए हैं, और देखिए अभी मैगी है, शर्ट भी कपड़ा भी चेंज कर लिए हैं मार्केट से आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और गर्म गर्म भी मैगी आ गया है, जब भी मतलब शुक्रवार दिन है ना आज, तो शुक्रवार को जब भी हम मार्केट से आते हैं ना तो मेरी बहन मैगी बना देती है। देखिए बना के रख देती है, कहा कि बहुत ज़ोर से भूख लगता, जानती है कि भूख लगेगा, कुछ खाता तो नहीं है, कहा कि मार्केट में टाइम ही नहीं मिलता है खाने पीने, तो इसलिए बना उना के रख देती है। तो चलिए अभी मैगी खाते हैं गैज, उसके बाद फिर वीडियो भी एडिट करना है, क्योंकि कल तो टाइम नहीं मिलेगा, और सामान वामान भी डालना है अपने दुकान का। कल ईटा भट्टा जाएंगे, वहाँ पे राशन का सामान पहुँचाने के लिए 2 ईटा भट्टा कवर करते हैं, तो कल जो है वीडियो आ भी सकता है नहीं भी, क्या कि बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं कल, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ना कि 6 बजे जो जाएंगे ना फिर 6 बजे आएंगे शाम, मतलब 12 घंटा कंटिन्यू काम रहता है। और मार्केट में तो गैस कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सके, कहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, जैसे दुकान खोलते हैं ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, तो भीड़ रहता है इसलिए कुछ बना नहीं पाते हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अभी तो घर आ गए हैं, मैगी चलिए खाते हैं अभी। एक नंबर मैगी। तो गैस अभी रात का डिनर आ गया है, अब डिनर में है अचार और ये भुंजिया, देखिए आलू और ये परवल सब्जी बोलते हैं, परवल सब्जी का और चटनी और रोटी। तो चलिए अभी इसको खाते हैं, थोड़ा ना हम थक गए, ठीक है, क्या क्या मार्केट का तो बहुत ज़्यादा थकावन हो जाता है, सामान उमान उतारना रहता सब अकेले हम उतारना चढ़ाना, तो बहुत ज़्यादा मतलब अभी थक जाता है शरीर। और अभी आगे थोड़ा सा सो भी गया, तो उसके बाद अभी मम्मी आई खाना उन्हें दी, तो अभी उठे, और कल हमको जाना है ईटा भट्टा, तो अभी अभी थोड़ा बहुत हिसाब भी करना पड़ता है। अभी सो जाएंगे, 4 बजे उठ के और एडिटिंग करेंगे और हिसाब उसा भी मिलाएंगे, सामान वामान और जाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही ब्लॉग को एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।